सज्जनों, ये कथा माता रानी के चमत्कार को प्रसारित और प्रचारित करने वाली है। कहा जाता है दक्ष प्रजापति की दो कन्याएं थी, एक का नाम तारा, एक का नाम रुक्मिणी है। एक समय एकादशी और नवरात्रि का व्रत रखने वाली इन बहनों में समय का ऐसा चक्र हुआ, प्रसाद में अखाद्य प्रसाद को खा करके तारा का जब भंग होने को हुआ तो उसने अपनी बहन रुक्मिणी को श्राप दे दिया, जा तू मांस भक्षणी हो जाएगी। दूसरे जन्म में जो रुक्मिणी थी वो छिपकली बनी, रोती है तो कह दिया अगर तुम परोपकार में इस जीवन को लगाओगी, अपने तन को लगाओगी, तो उस योनि से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी बहन तारा स्वर्ग की अप्सरा बनती है, मर्त्य लोक का चिंतन किया तो पुनः मर्त्य लोक में गमन हुआ। इधर ऋषियों के द्वारा आयोजित भंडारे की खीर में एक सर्प गिर गया। रुक्मिणी जो छिपकली के रूप में थी उसने सोचा कि अगर इस भंडारे में इस प्रसाद को खिलाया गया, जैसे हमारे नगर निगम का बहुत बड़ा भंडारा प्रातः होने वाला है, इतना बड़ा भंडारा है, बहुत सारे ऋषि मुनि आएंगे, अगर ये सांप के विष से युक्त प्रसाद को खीर को खिला दिया गया अनर्थ हो जाएगा। वो छिपकली जो है उस खीर में गिर गई। ऋषियों ने देखा, अरे अरे तूने हमारे भंडारे की खीर को खाने योग्य नहीं छोड़ा, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम अगला जन्म नीच कुल में प्राप्त करोगे। तीसरे जन्म में जाकर के महाराज स्पर्श के यहां तारा और रुक्मिणी पहुंचती है, जन्म होता है। राजा के यहां प्रथम कन्या का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने हाथ देखा, कहा इसका सितारा भाग्य सितारा चंदा के समान चमक रहा है, इसलिए इसका नाम तारा रखते हैं। कुछ समय के बाद दूसरी बेटी हुई, मित्रों को बुलवाया गया, कहा यह फूलों में पाई है, अशुभ लक्षणों वाली है, अगर ये घर में रहेगी राज्य और प्रजा दोनों ही दुखारी रहेंगे, नाश हो जाएगा। अब तो जब मित्रों ने कहा कि ये कन्या अगर घर पर रहेगी, महाराज तुम्हारे महल में रहेगी, तो तुम और तुम्हारा राज्य सुरक्षित नहीं है, फिर क्या करें? बोले इसको राज्य की सीमा से बाहर निकाल दो। हमारे संत कहते हैं ये जागरण का जो विधान है वो तो सभी भक्त बतलाते हैं। राजा ने मन में विचार किया कि मेरी बेटी है, इसको कैसे कैसे अपने घर से अलग कर दूं। एक वो पिता जो अपनी बेटी को बड़े खुश होकर के जन्म देता है, लेकिन ये संयोग कहीं दुर्योग कहे, आज उसे अपनी बेटी को अपने घर से दूर करना पड़ रहा है। राजा ने सोचा मेरी बेटी बड़ी होती, मैं विवाह में बहुत सारा धन खर्च करता, सुंदर सोने की पेटी बनवाई, रत्न इत्यादि से बनवाया और उसमें बेटी को लिटवाया। कि राजा ने दुखी मन से और विप्रों का कहा किया है, और अपनी प्यारी बिटिया को रे न दिया। अपनी प्यार
और राजा को बड़ा दुख हुआ और विचार करता है, बेटी आज मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ, मैं ऐसा दुर्भाग्यशाली पिता हूँ कि अपनी बेटी को अपने महल में पाल नहीं सका। मन में क्षमा यात्रा का भाव उत्पन्न होता है कि मेरी बेटी नदिया को सौंपू तो दे दीजो पापी पोकू बन गयो हत्यारो त्यारो के अपने हाथ तुझे बहाऊं जल की धार को बहाऊं मेरी बिटिया है जल से बिनती मेरी करे है प्रभु रक्षा तेरी दिल मेरो भारी भवता रानी के प्यारे भक्तों, उस संदूक में लेती हुई बेटी जल में बहने लगी और धीरे 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 पानी बढ़ा। धार में बहती हुई बिटिया उस संदूक उस बेटी में लेती हुई बहुत दूर जाकर पहुंचती है, जहां एक हरिजन भाई जो संतानहीन थे स्नान करने के लिए नदी पर पहुंचे, संदूक देख करके उसे निकाल लिया, खोला, बड़े खुश हो गए। उसी समय कुछ और ब्राह्मण भक्त लोग स्नान करने आए, सबने देखा इस ये पेटी बहुत सुंदर है, सोने की बनी है, हीरे रत्न लगे हुए हैं, तो सब उस पर टूट पड़े। किसी ने रत्न ले लिया, किसी ने हीरा ले लिया, किसी ने स्वर्ण ले लिया, लेकिन जैसे ही उस पेटी को खोला तो उसमें एक बिटिया मुस्करा रही है। रोहित भैया उस बिटिया को लिया। आज वो हरिजन, वो भक्त, माता रानी का बहुत ही दुलारा प्यारा भक्त आज उस बेटी को लेकर के अपने मन में बड़ा खुश होता है। घर पहुंचा, आवाज लगाई अपनी पत्नी को, अरे कहाँ हो, कहाँ हो, देखो देखो मुझे क्या मिला है, माता रानी ने प्रसाद दिया है। पत्नी आवाज लगाती, क्या है, क्या मिल गया, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे देख तो सही कि रस्ते में नदिया, नदिया में पानी, बताने लगा रस्ते में नदिया, नदिया में पानी और पानी में पेटी मिली, कि रस्ते में नदिया, नदिया में पानी और पानी में पेटी मिली, पेटी में मुझे बेटी मिली, पेटी में मुझे बेटी मिली, पेटी में मुझे बेटी मिली, कि देवी माता लाई है, देवी माता लाई है, किसी ने बचाई है, खुश होके लेती मिली, बेटी में मुझे बेटी में मुझे बेटी मिली, बेटी में मुझे बेटी। पत्नी खुश हो गई, अरे मेरे संतान नहीं थी वो भी इतनी सुंदर बिटिया, वाह माता रानी, एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। धीरे धीरे रुक्मिणी सयानी होती है, विवाह के योग्य हुई, चिंता हुई, कह दिया जाओ, देख करके जो एक आम हर पिता को चिंता होती है जब बेटी सयानी हो जाती है, अब बिटिया के हाथ पीले कर दिए जाए। एक दिन पति के पास पहुंची और बिटिया रुक्मा जो है वो घर में अंदर है और अपने पति से अपने मन की बात कही है, जाओ कहीं वर देख करके मेरी बेटी का विवाह करो। कहां जाए, किसी ने कहा कि वो रिश्तेदार थे, वो बता रहे थे कि एक हरिचंद राजा है ना, उनके नगर में एक कलुआ नाम का हरिजन है, बहुत अच्छा परिवार है, बड़ा अच्छा लगता है, उसके साथ विवाह कर दे। सज्जनों विवाह कर दिया गया। अब देखिए ये भाग्य की बात है, किस बात का है रोना। इधर तो रुक्मिणी जो है हरिजन के घर में जाती है और उधर तारा की शादी अयोध्यापति राजा हरिचंद के साथ होती है। भाग्य की बात है, एक बहन राज रानी है और एक महत रानी है।
हालांकि संस्कृत में महत शब्द का अर्थ होता है बड़ी। इधर धीरे धीरे समय बीता, तारारानी देवी मां की विधि विधान से पूजा करती है, जागरण कराती है, दुर्गा सप्तशती का पाठ कराती है। हमें भी जब हम नियम से पूजा करते हैं, अनुष्ठान विधि विधान से होता है, तो उसका फल हमें निश्चित रूप से मिलता है। सज्जनों, एक बार अष्टमी चंद्रवार तारारानी देवी मैया से विनय करती है, माँ इतने दिनों से मैंने तुम्हारी पूजा करती है, इतने दिनों से पूजा की है कि हे दुर्गे मैया दुर्गे मैया बिन मेरी स्वीकार करो तुम। आप भी अपने मन में मैया से विनय करें, देवी भैया, अरे ओ दुर्गे मैया बिन मेरी स्वीकार करो तुम, प्रकट हो सामने आओ। डाल नजरिया, अरे तो डाल नजरिया, अब बेना इनकार करो तुम, प्रकट हो सामने आओ। माने एकदम से माने प्रकाश किया और मां प्रकट हो गई। नौ रूप माने दिखाइए, प्रथम शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, पंचम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी और नवमी सिद्धदात्री। नौ रूपों को माने दिखाया। आज तारा प्रसन्न हो गई, माने कहा बेटी देख तूने मुझे बुलाया, मैं प्रकट हो गई, लेकिन मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ कि जब भी कोई नगर में जगराता कराए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी कुल का हो, ऊंच हो चाहे नीचा हो, गरीब हो चाहे धनवान हो, तुझे उसके जगराते में जाना जरूर है, तुझे वहां जरूर जाना पड़ेगा। तारा कहती है, माँ मैं आपसे आपसे वादा करती हूँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, अरे मैं तो जाऊंगी जरूर तेरे जगराते में भैया, मैं तो जाऊंगी जरूर तेरे जगराते में भैया, मैं जाऊंगी जरूर तेरे जगराते में भैया, अरे मैं सच सच बतलाऊं तो बिना बुलाए जाऊं, सच सच बतलाऊं तो बिना बुलाए जाऊं, अरे तुम तो कहती हो बुलावे पर जाना, भैया मैं आपको वचन देती हूँ कि अगर कहीं मैं सुन भी लूंगी मैं साथ साथ बतलाऊं, बाप ना बुलाए जाऊं, दर्शन पाऊंगी जरूर तेरे जगराते में भैया, मैं तो जाऊंगी जरूर तेरे जगराते में भैया, मैं तो जाऊंगी जरूर तेरे जगराते में भैया। और माँ राकेश से भेंट गवाऊं, प्रसादी लेके आऊं, राकेश से भेंट गवाऊं, प्रसादी लेके आऊं, तेरे गुण गाऊंगी जरूर तेरे जगराते में भैया, मैं तो जाऊंगी।
माँ ने कह दिया बेटा मैं तेरी इच्छा पूरी कर रही हूँ, लेकिन अब तुझे मेरी इस इच्छा को पूरा करना है कि जगराते में जरूर जाना है। संतों तारा रानी की परीक्षा शुरू होती है और एक दिन की बात है, रानी के बीमार होने पर रुकमा तारा के महल में जो मैत रानी है बीमार हुई, रुकमा जो है वो तारा के यहाँ सेवा करने पहुंची है। पूर्व जन्म के संस्कार से उसे पहचान लिया लेकिन किसी को बताया नहीं। उधर रुकमा मैत रानी से भूल हुई, उसने प्रण किया कि मेरे जब बेटा हो जाएगा तो मैं माता रानी तेरा जगराता कराऊंगी। लेकिन कहा जाता है कई बार लोग कोई चीज भूल बोल करके भूल जाते हैं, संकल्प अगर किया है तो उसे पूरा करना चाहिए। माँ ने स्वप्न में याद दिलाया, बेटा थोड़ा बड़ा था, चेचक माता निकल आई, स्वप्न में याद दिलाया कि तूने अपना कहा हुआ पूरा नहीं किया है। माँ से कहा जागरण तो करा दूं लेकिन मैं इस कुल से हूं कि मेरे यहाँ कोई आएगा नहीं। माता बोली तू रानी तारा के पास जाओ और उसके पास निमंत्रण का पत्र दल लेकर के जिसमें नारियल लाल कपड़ा चावल रुपए इत्यादि होते हैं वह निमंत्रण पत्र स्वीकार करके जरूर आएगी। हाँ हाँ, जैसे इतनी बात सुनी है ये भी भैया माँ के सामने जो रुकमा है वो कहती है माँ तुम ये सोच रही होंगे तारा रानी आ जाएगी। अरे हे मेरी माता क्या कहती है, आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी मैया दल लेके जाओ अपमान पाओ उन राजन के दरबार रे को दल लेके जाओ अपमान पाओ उन राजन के दरबार रे को बात करी। आप देखती हो दुनिया में कहा जाता है जिसके पास धन है उसके रिश्तेदार बहुत हो जाते हैं, मेरे यहाँ वो रानी कैसे आएगी। अरे नीच हूँ मैं कुल नीच हमारा जग ने मात बताया, नीच हूँ मैं कुल नीच हमारा जग ने मात बताया, पग पग पर अपमान मिले बा जाए हमें सताया भवानी जाए हमें सताया, मन बहुत डरू अपराध करूं तो माँ पड़े जोर की पार रे को पूछे बात करी। माँ माँ ने कहा तू चाह तो सही, अब तो माँ की बात को मान करके रुकमा तारा रानी की यहाँ पहुंचती है। जैसे ही दल दिए कहीं छू ना जाओ तो दूर रहती है, तारा कहती है अरे रुकमा तुम इतनी दूर क्यों भाग रही हो। बोली महारानी आप महारानी है मैं महत रानी हूँ, इस पर उसका दोष लगेगा। अरे तारा ने बहुत सुंदर बात कही है कि कौन होते हैं एक रकत एक मलमूत्र एक मास एक गूदा और एक जगह से सब उपजे हैं का बामन का सुधार। कौम को अब कबीलों में मत बांटिए,
इस सफर को तुम मीलों में मत बांटिए, और देश है एक, अब एक ही रहने दो, इसको तालाब झीलों में मत बांटिए। निमंत्रण स्वीकार किया, मैं सही समय पर आ जाऊंगी। सज्जनों, माँ की रानी लीला हुई है, और इधर राजा हरिचंद जो है वो पिपल में खेल शिकार खेलने के लिए गए हैं, और रानी तारा की परीक्षा है कि राजा हरिचंद विपन में खेलन गए शिकार, और लौट न पाए समय से तो रानी करे विचार, कि लौट न पाए समय से तो रानी करे विचार, के बिरम गए राजा काऊ बकिया में, बिरम गए राजा काऊ बकिया में, बिरम गए राजा काऊ बकिया में। अरे बेदर्दी सजना नहीं अब ही आए, और खेलन शिकार पनी में धाये, तो बिगड़ रहे काजा जाए से जगरा से चली जाऊं। सतरस भोजन मैंने बनाए, और सोने के थालन में मैंने सजाए। अरे रानी, अरे माता रानी, कृपा कर दो राजा। अरे राजा, तुम कहां रह गए, पतिदेव जल्दी आ जाओ। सोने के थालन में मैंने सजाए, आए आए, अरे आए भोग लगाए रात के इस लेके आ जाता हूँ बगिया में। रानी रोने लगी है, माँ से कहा, मैया देख, अगर मैं न जाऊं तो मैं झूठी, और लेकिन अगर राजा समय से आप ना भेजे तो मैया रानी, ये तुम्हारी कमी है। सज्जनों, तारा माँ से बार बार कहती है, राजा लौट करके आए हैं। तारा के जागरण में जाने की बात उनका एक गुप्तचर है सेना नाई, उसने महाराज को बता दिया है। रानी तारा ने राजा को स्नान भोजन कराया, बिस्तर की व्यवस्था की, आनंद फानंद में लिटाया। राजा ने रानी के इस बदले हुए व्यवहार को जान लिया। और एक बात हम आपको बता दें, घर परिवार में, जेपी भैया, दीपक भैया, अगर घर परिवार के किसी भी सदस्य का व्यवहार अचानक बदलता है तो उस पर जरूर विचार करना चाहिए। जिसे कभी गुस्सा ना आती हो, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाए, कोई ना कोई बात है। जो बच्चा बहुत हंसता खेलता रहता हो, जो घर का सदस्य, अगर वो गुम सुम रहने लगे तो कोई जरूर बात है। रानी के इस व्यवहार को देख करके राजा को कुछ शंका हुई। इधर महाराज ने विचार किया कि मैं सोऊं ना, इसके लिए क्या करूं। राजा ने थोड़ी सी उंगली चीरी, उस पर नमक लगा लिया, कहीं नींद ना आए, और बहाना बना करके इधर तो महाराज लेट गए हैं, ये जाएगी तो मैं देखूंगा। उधर रानी तैयार होती है, अब तो कोई काऊ में मगन, और कोई काऊ में मगन, और वे बाई में मगन, जावे लागी है लगन। हुआ क्या, ओढ़ के सोए राजा जी, चुपके से, अरे चुपके से घर से निकली, जगराते में हो गई, चुपके से घर से निकली, जगराते में हो गई, चुपके से घर से निकली, जगराते में हो गई। आज ऐसी रानी निकली है कि पीछे पीछे
और कैसी अद्भुत माँ की माया। महाराज अंधेरे में चले जा रहे हैं, ऊपर से कंबल और रोल दिया कि कोई देख ना पाए। बीच में एक चोर मिला, उसने सोचा अकेली महिला जा रही है, पीछे से सोचता है कि जो कि इसके पास हो उसे छीन लूं। लेकिन महाराज ने उसे बीच में ही चोर देख रानी को ललचाया, तो राजा ने पीछे से मार गिराया। अरे दौड़ी दौड़ी जा रही तुम, रात अंधेरी हो गई, कैसे घर से निकली और जगराते में पीछे पीछे राजा है। और रोज भैया उधर उधर रुकमा देख रही है, जागरण की तैयारियां है, पंडित जी आ गए हैं, मंत्रों की तैयारियां, वेदी तैयारी है, लेकिन मुख्य मुख्य जमता अतिथि ना आए, यजमान ना आए तो काम रुका रहता है। रानी का इंतजार हो रहा है। इधर रुक्मिणी दुखी होकर के मां से कहती है, मां मेरे साथ धोखा हुआ, अब रानी नहीं आएगी। इतने में ही भक्तो मां की भक्तनी रानी तारा एकदम से उस जगरात प्रांगण में प्रवेश करती है। जैसे हमारे नगर निगम का सुंदर प्रांगण है, माता रानी का दरबार सजा हुआ है। आकर के उसने कुछ नहीं किया, सबसे पहले रुक्मिणी से क्षमा मांगने लगी कि अपनी गलती में करती कबूल, और माफ करना हुई मुझसे भूल, मुझसे अरे अपनी गलती मैं करती कबूल, और माफ करना हुई मुझसे भूल, मुझसे रूठ न जाए मेरी माता, कराओ सूरी जगरा। देर हो गई, और जैसे इतना देखा, देख रुक में गई मन में फूल, और हिल गया उसके मन का था फूल। अरे भेद माता का कोई नहीं पाता, पूर्वक प्रारंभ होता है। भगवत प्रेम सज्जनों में चाहता हूँ कि दो पंक्तियां मैं गाऊं तो आप भी गा लीजिए, आप भी गाइएगा, जहां भी बैठे हो गाइएगा। ज्योति प्रज्वलित होती है, अरे जागो हो माई ज्वाला, चमके तेज तुम्हारा, चम चम चमके तेज तुम्हारा, और सबका देखा भाला भवानी माँ, सबका देखा भाला भवानी, जागो हो माई ज्वाला। दर्शन तो राकेश को आके, दर्शन दो राकेश को आके, क्यों तुम धाम में डाला मेरी भोली माँ, क्यों तुम धाम में, क्यों तुम धाम में डाला भवानी,
जागो हो माई जुहार। ज्योति प्रज्वलित हुई और सारे राम जागरण चला। अब प्रातः काल का समय हुआ है सज्जनों, प्रसादी वितरण का समय हुआ। माने सबकी मनोकामना पूरी की है। कलुआ कहता है इसके यहाँ जो रुकमा का पति है, तारा रानी के लिए प्रसाद में हलुआ चना दूध तुलसी दल इत्यादि मंगवाए हैं, लेकिन कलुआ कहता है माँ तो बलि मांगती है, मदिरा पान करती है, इसलिए बकरा कटना चाहिए। तारा कहती है ना माता रानी, हाँ मैं मानती हूँ कि मद चाहिए, लेकिन मद का अर्थ हो मदिरा नहीं, मद का अर्थ है घमंड का माता रानी पान करती है। ये हमारे यहाँ दो तरह के जागरण होते थे। हमारे राजवीर भैया बहुत जागरण करते हैं। पहले जो जागरण होते थे एकांत में बैठ करके होते थे वैष्णव, और अब जो शाक्त मत के लोग हैं शक्ति को पूजन वाले हैं, वामपंथी लोग, दोनों की अलग अलग परंपराएं थी। आज बलिदान क्या है? बलिदान बलि कहते हैं अन्न को। ये प्रसाद में बनना चाहिए। कलुआ नहीं माना, मांस का प्रसाद बनवा दिया। राजा जीव हिंसा देख करके हरिश्चंद्र वेश छिपाए हुए बैठे हैं और देख रहे हैं। आप सभी लोग भी बहुत प्यारा सा प्रसाद है, आरती होगी और प्रसाद लेकर जाएं, बस दो मिनट की बात है। कलुआ नहीं माना, मांस का प्रसाद बनवाया। उधर राजा ने जीव हिंसा को देख करके बहुत दुख माना। रानी से पहले ही अपने महल वापस आ गया। कलुआ ने रानी को जो प्रसाद दिया उसे झोली में रख लिया। ये देख करके अन्य लोगों ने कहा इस प्रसाद को, क्योंकि ये हरिजन के घर का है, रानी ने खाया नहीं है। दूसरा प्रसाद दिया तो रानी ने माता रानी को प्रणाम किया और उस प्रसाद को पाया। इधर प्रणाम करके सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आप लोग अभी न जाए, प्रसाद लेकर ही जाए। कलुआ ने तारा रानी का मांस से झोला भर दिया, प्रसाद समझ करके घर लाई है, थैला खोला। राजा ने कहा इसमें क्या है? रानी बोली महाराज में जगराते से आई हूं, मां का प्रसाद है। राजा बोले कैसा प्रसाद? अरे मुझे लगता है कि इसमें मांस भरा हुआ है। रानी बोली अरे ये माता का प्रसाद ही है, मांस नहीं है। राजा को तो मांस दिख रहा है। तारा पर संकट छाया, माँ का ध्यान किया, माता रानी आज कहीं मेरा उपहास ना हो जाए। तो मात ने चमत्कार दिखलाया। माने क्या किया? सिर बकरे का नारियल हुआ, सिर बकरे का नारियल हुआ, और पैरों को छड़े था दिया बना, हड्डियों के बन गए अस्त्र शस्त्र, सब मांस बना हलुआ और चना। माता का प्रसाद बन गया। जो खाल रखी थी झोले में बन गई चुनरिया लाल लाल, माँ की महिमा को देख हुआ राजा के मन भारी मलाल। राजा भ्रम में पड़ गया, ये है क्या? राजा तारा से कहता है रानी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। रानी कहती है महाराज जो तुमने पहले देखा वो भी सत्य है, और जो अब देख रहे हो वो भी सत्य है। माँ की मर्जी है, वो जब जैसा चाहती है वैसा होता है। राजा बोला मैं भी माँ को साक्षात दर्शन करना चाहता हूँ। रानी बोली अच्छा तुम करोगे? करो तो बलिदान करो, कुछ त्याग करो। सज्जनों हमारे भक्त गाते हैं, रानी ने कहा अगर तुम दर्शन करना चाहते हो ठीक है मैं दर्शन करूंगा। राजा ने तुरंत घोड़े को मंगवाया, उसका सिर काट दिया। रानी हंस गई, अच्छा तो दूसरे का जीव है ना, अरे तुम चाहते हो कि माता रानी तुम्हें दर्शन दे तो तुम्हारा जो बेटा है तुम उसका बलिदान करो। देखिए कितना विश्वास है माँ के ऊपर। रानी ने कहा, राजा ने पुत्र को त्याग करके रोहित को बेटे का सिर देवी के चरणों में गिरा दिया। रानी ने कहा पांच थाल तैयार करें, जैसे हमारे पंडित जी तैयारी कर रहे हैं। पहला थाल माँ के चरणों में रखवा दिया, दूसरा थाल हरिचंद जी घुड़साल में लेकर गए जहां से घोड़ा का सिर काटा गया था, तीसरा थाल राजा के लिए, चौथा थाल रानी ने स्वयं, और रानी ने कहा पांचवा थाल लगाओ। राजा ने पूछा ये किसके लिए है? रानी बोली आपके बेटे के लिए। आज राजा एकदम से चीख करके कहता है रानी मेरा एक ही बेटा था, उसका बलिदान हो गया। रानी ने कहा बेटे को बुलाओ, अरे देखो तुम्हारे घुड़साल में मां की कृपा से घोड़ा जिंदा हो गया है, और तुम अपने बेटे को बुलाओ, मां की कृपा होगी तो तुम्हारा बेटा चिल्लाता हुआ आ जाएगा।
राजा ने कहा क्या रानी ये सत्य है? बोले हाँ ये सत्य है। जैसे ही आवाज लगाई कहा तुम आगे बंद करके माता का ध्यान करो, या देवी सर्वभूतेषु बुद्ध रूपेण दया रूपेण शांत रूपेण संगति रूपेण संस्था जीव रूपेण संस्था नमस्तस्य 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 नमो नमः। प्रार्थना सुनकर के जैसे ही देखा सभी लोग, आप लोग सभी जो अपने अपने हाथ थोड़ा खोल लीजिए और ये मानिए कि आपकी माता रानी आपके सामने है। अरे आई आई दुर्गा भवानी आई रे आई माने दिखाया अजब नजारा जय माँ जीवित कर दिया बेटा प्यारा जय के चरणों में बैठ गया है। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि रात भर हम लोगों ने जागरण किया है, उधर राजा बैठ गया माँ के चरणों में जी, और यहाँ आज हमारे सभी नगर निगम के बड़े बड़े अधिकारी और समस्त नगर निगम वासी यहाँ पर बैठे हुए हैं भैया के चरणों में, और भैया से प्रार्थना करेंगे। अब 40 वर्ष हो गए, 41 वर्ष सभी साथी बने रहे, उन पर कृपा माता की बनी रहे, और जो भक्त इधर उधर हैं कृपा करें भैया के दरबार में आए। ये माता रानी के जागरण में 21 रुपए कांचा भाई महेंद्र नगर तंदूर वाले कारीगर, 11 रुपए डॉक्टर मदन लाल जी यही हमारे नगर निगम के कर्मचारी हैं। आपने माता रानी के इस आयोजन में आपने भेंट अर्पित की है। माता रानी आप सभी को खुश रखें। मैं आप सभी से एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, जो मंदिर में है, जो मंच पर है, जो सामने है, इधर पर है, सारे भक्तजन रात भर हम लोगों ने जागरण किया है, जाने अनजाने में कोई शब्द निकल गया हो, जाने अनजाने में हमने माता के दरबार में ध्यान न लगा पाया हो, किसी शब्द ब्रह्म का रूप होता है उसे न सुन पाया हो, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, क्षमा मांगे। राजा हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता है। ये अंतिम दो पंक्तियों के साथ ये हमारे परम आदरणीय भैया जी भैया रानी के इस दरबार में अर्पित कर रहे हैं। माता रानी सदैव भंडारे भरे रहे, आप भी अगर गुनगुन ना सके तो गुनगुना ले, नहीं तो भाव अर्पित करें। ये प्रेम भैया जी बड़े प्रेम से माता रानी के दरबार में आए हैं, 21 रुपए प्रदान किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। के अबे भैया माफ जरा कर देना मेरी माँ, माफ जरा कर देना हमारी भूलों को, मेरी पे माफ जरा कर देना हमारी पार्टी हो, चाहे राकेश शीतल हो, चाहे नगर निगम के सारे कर्मचारीगण,
अधिकारीगण सभी लोग हों, हम तो केवल हम सबके ऊपर माँ की कृपा है। मैं मतिमंद बुद्धि काही ना, तेरा ध्यान कभी ना पीना। मैं मत